आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के मंदबुद्धि मूक बधिर कन्या छात्रावास में बड़े भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है। यहां गर्मी शुरू होते ही बच्चों की सुविधा के लिए दर्जन भर पंखे दान करने पहुंचे समाज सेवी मनीष गुप्ता ने इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। उन्होंने किए गए भ्रष्टाचार का पता लगाने का आग्रह कलेक्टर रीवा से किया है और इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराने की भी बात कही है। दरअसल गर्मी का मौसम शुरू होने पर छात्रावास की व्यवस्था देख रही पूनम तिवारी ने कुछ दिन पूर्व समाज सेवी मनीष गुप्ता से मिली थी। इस दौरान उन्होंने छात्रावास की समस्या से मनीष गुप्ता को अवगत कराया था। बताया गया है कि मूक बधिर विद्यालय पहले NGO के सहयोग से चल रहा था, जो कि कोरोना काल में 2 वर्ष तक बंद रहा। शासन ने कन्या छात्रावास को फिर से शुरू करवाया है, पर विद्यालय में बच्चों की सारी सुविधाओं के लिए समाज सेवियों द्वारा दी गई सामग्री गायब हो गई है। वह सब कुछ NGO द्वारा कन्या छात्रावास से उठा ले जाया गया है, जिससे छात्रावास में रह रही बच्चियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसी सहयोग के रूप में आज 12 पंखों का दान दिया गया और जो भी समस्याएं छात्रावास में हैं, उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किए जाने का आश्वासन दिया गया है। और जो दान में पूर्व में सामग्री दी गई थी, शासन प्रशासन से आग्रह किया गया है कि उसे NGO से वापस लेकर फिर से छात्रावास में दिया जाए, वरना उस NGO के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी मनीष गुप्ता, कमलेश अग्रवाल, ओम प्रकाश मिश्रा, बंसीलाल साहू, सुरेश गुप्ता, राजू गुप्ता, राहुल गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। आज कन्या छात्रावास घोघर में हम लोग हैं, जहां पर बच्चों के साथ कुछ मैम की रिक्वायरमेंट थी, उस पर अपन ने पंखे का एक रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी यहां पर। और एक मैम पूनम तिवारी जी आई और 5-7 बच्चे थे, इनके बच्चों को फैन की जरूरत पड़ी। बोले सर ये गर्मी में परेशान है बच्चे। हमने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम अपन मैसेज कर देते हैं, भगवान की कृपा है, सब लोग परिचित हैं। तो हमने कहा 2014 में संजय मिश्रा जी और कई ग्रुप मिलकर यहाँ पर समरसर पंप, बोरिंग मशीन, टंकी, फिटिंग, वॉशिंग मशीन इत्यादि चीज लगवाया था हम लोगों ने मिलकर। हमको वो भी दिन याद है, वह सामान एक भी नहीं है। वह सामान क्यों नहीं है इसका भी हमको उत्तर चाहिए, और कौन सामान ले गया वो भी हमको उत्तर चाहिए। यहाँ पर लाल रजिस्टर था, बुक था, उसमें हमने साइन किया था, हमको खूब याद है। 2014-15 में संजय मिश्रा, हम, बंसी जी और कई हमारे कमलेश भैया, कई साथियों, ओम प्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर हम लोग आए थे, और जो जो रिक्वायरमेंट थी धीरे धीरे कपड़े की, इसकी, उसकी, तो हम लोगों ने दिया था। ये कौन ले गया मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, महोदय यहाँ के कलेक्टर साहब से भी जानना चाहता हूँ, अगर ऐसा व्यक्ति ले गया है भाई, दान की हुई चीज वो ले नहीं जा सकता। अगर उनका ठेका था, अगर कुछ था, तो वो अपना जो उनका सामान ना होगा वो ले जा सकते हैं, बाकी दान हुई चीज वो नहीं ले सकते हैं। अगर वो ऐसा ले गए हैं, वो पूरा सामान वापस करने का कष्ट करे, अगर नहीं करते तो इनके ऊपर FIR दर्ज हो, नहीं तो इसकी मैं मांग करता हूँ इस बात को। बाकी रिक्वायरमेंट उस बोर्ड में लिखी हुई है, उसमें रिकॉर्ड में कई चीजें अभी चाहिए, यहाँ पर वॉशिंग मशीन, मिक्सी, पंखा, कूलर, RO चीजें, TV, म्यूजिक सिस्टम, वाटर कूलर, कई चीजें चाहिए। यहाँ पर सब चीज हमको याद है और इसकी कारण हम लोग सबूत है उसके, और ये सब चीजें क्यों गई और क्यों ले जाने की हिम्मत कैसे की। इन बच्चों को देखिए ना, इनके आप मुखार से क्या ले जाना चाह रहे हैं, इनकी खुशी तो देखिए ना, भगवान ने इनको कम दी है, तो हम लोग जो सुविधा है इनको वो भी ले लेंगे। कैसे जन्म कैसे किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है, ये असहनीय है। ये बद्दुआ न ले, जो यहाँ का सामान है उसको वापस करें। धन्यवाद, यही कहना चाहता हूँ।